अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज मैंने जो दिन गुजारा है पूरा, वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मेरे को कितनी तकलीफ़ हो रही थी। कल जो मैं गिरा था तो उसमें मेरे गुर्दे की साइड में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी गिरने के बाद। और फिर जब सुबह जब मॉर्निंग में मैं जब जॉब पर गया तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि मैं जोहर के बाद तकरीबन 40 मिनट तक मैं सो गया था कंपनी में जॉब पर। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे, और अभी भी जो है मेरे वो टी से मच रही है, तकलीफ़ हो रही है। तो कमर इस दफ़ा मेरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। अब क्या वजह है, चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है, या मैं एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद हूँ जो कि नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी जगह है ये, उस वजह से ये मुझे दर्द हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। आज तीसरी रात है, बस अल्लाह करे बस मेरे ये किस्सा चार रातों का कंप्लीट हो जाए तो फिर तो हो जाती है बल्ले बल्ले, फिर इंशाल्लाह घर पे जाके सुकून से सोएंगे। अभी भी जब यानी कि थोड़ा सा हिल रहा डुल रहा हूँ ना तो तकलीफ़ सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो नींद सही से पूरी नहीं हो रही है, आराम मिल नहीं रहा है जिस्म को, तो तकलीफ़ पर तकलीफ़ हो चली जा रही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो सीनियर लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं जॉब पर। और आप लोगों से गुजारिश थी कि यार वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें और प्यारे से हाथों से प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और जब चैनल पे आप लोगों कोई वीडियो नहीं मिला करे ना, जैसे मेरा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप चैनल पे जाके देख लिया करें कि भाई यानी कि हर संडे की रात 8 बजे आप लोगों को एपिसोड देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो आप चैनल पे विज़िट करके देखें। जब आप विज़िट किए करेंगे तो हो सकता है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचा हो, तो मिस्टेक हो जाती है यूट्यूब से भी, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर लिया करें तो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है फेज़ी हॉरर ब्लॉग, तो वो भी मेरा ही चैनल है, वो मेरा दूसरा चैनल है, वो मैंने बाद में उस पर भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो डाली हैं, अपलोड किए हैं। तो वजह यही था कि मैं परेशान था, थोड़ा सा मसरूफ़ था, वो सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, टाइम ख़राब होता है। तो ये जो पूरी रात की वीडियो बनती है ये बहुत ही लंबी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी वीडियो होती हैं, बड़ी इसमें मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है, इसी वजह से कि यार आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। अगर आप बोलें तो मैं तो 4-4 घंटे के एपिसोड बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो मटेरियल इतना सारा पड़ा हुआ होता है कि क्या करें उसका। तो मुझे आपका टाइम थोड़ी ख़राब करना है, जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती हैं मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ एडिट करके। तो अगर ऐसे तो मैं 6 घंटे का भी एपिसोड बना सकता हूँ, इतना मेरे पास मटेरियल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरा चल रहा है, वो तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लगातार हो रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो चला दूंगा। लेकिन वही बात है ना, 4 बंदे देखेंगे, 4 बंदे भी क्या देखेंगे, मेरे ख्याल से यूट्यूब भी पूरी नहीं देखेगा, मेरे ख्याल से नहीं देख पाएगा कोई भी। तो इसीलिए कि मैं तो दोस्तों बस ये आप लोगों से गुजारिश थी कि बस मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करें, और जिस तरह आपने फेजी की दुनिया को प्यार दिया है उसी तरह आप मेरे फेजी हॉरर ब्लॉग को भी प्यार दें, जाके वो भी आगे बढ़े चैनल। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा। ये देखें दोस्तों, ये जाल जो है ये पहले नहीं था, लेकिन अभी जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आ चुका है, यानी कि इस घर में पता नहीं और कुछ है नहीं, बस जाल ही जाल बनते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें आए। नीचे क्या आ गया? अच्छा, ये वही पड़ा हुआ ये जो मैंने फेंका था। अच्छा जी, और इस रूम में बड़ा ही गंद दिख, बड़ा जिंगर बहुत ज़्यादा बोल रहे, खामोश हो गए, खामोश हो गए। आज दोस्तों मेरी तीसरी रात है और इस बहुत ही क्या बोलो,
दोस्तों मुझे अच्छी तरह याद है, ये बाहर रखा हुआ था, ये ऊपर कहीं पर भी नहीं था, ये कैसे आया अंदर? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस टाइम पर, जिस टाइम पे बात कर रहा हूँ उसी टाइम पे ये आया है, और ये अंदर कैसे आया है? ये इस तरफ रखा हुआ था दोस्तों, ये इस तरफ रखा हुआ था। दोस्तों आज मेरी जो है ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैं तो आज आई अल्लाह, मेरी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, तो आई आई पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है यार, आई तो आज मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। मेरा दिल चाह रहा है या तो मैं घर चले जाऊं या फिर मैं आराम कर लूं, क्योंकि मेरी बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मेरे काम के दौरान भी नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अब हो रही है। तो ऐसी जगह पे असल में मैं समझ में भी नहीं आता इंसान के बंदा क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मेरे जहन काम नहीं कर रहा। तो मच्छर काट रहे हैं साले, आराम से। दोस्तों आपके सामने ये देख ली, ये मैं कोने में खड़ा हूँ, मैं कोई भी नहीं है इस रूम के अंदर, पत्थर आया है।
दोस्तों मुझे आज तीसरे दिन है, लेकिन तीसरे दिन में इस किस्म की बेहुदा वाहियात किस्म की आवाज़ें मुझे नहीं आई हैं। इस टाइम पे आज मुझे हंसने की आवाज़ आई है। अलग रे, बस ये आवाज़ें जो हंसने की आवाज़ें थी, एक बड़ी एक मजाक उड़ाया जा रहा है किसी का। इस तरीके की आवाज़ें में हंसना हंस रहा था कोई, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, इस तरह कोई हंस रहा था। और पीछे से मेरे हमला भी हुआ पाइप से, मतलब पाइप उड़ के आया है या लुढ़क के आया है, मतलब किस तरह वो पाइप रूम के अंदर आ गया, ये एक मेरी समझ में ना आने वाली चीज़ है। मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन ये जो मेरी कमर का दर्द है ना आज, ये इतना ज़्यादा है कि अगर ये खौफ को और मेरे दर्द को मिलाओ तो मेरा दर्द ज़्यादा है, खौफ कम है मुझे आज। तो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बस मैं सो जाऊँ किसी तरीके से। तो शिद्दत बहुत ज़्यादा दर्द की, और ये कि अगर मैं घर चले जाऊंगा तो आज की रात पूरी नहीं होगी, कि बस गुजर जाए आज की रात, तो अगर बेहतर होगा तो कल का मैं स्पेस दे के परसों आ जाऊंगा 4 रातें पूरी करने के लिए, नहीं तो शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह करेगा कल दर्द ख़त्म हो जाए मेरा, तो बस सोने का इंतज़ाम करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है फिर।